नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार तो ऊपर से नीचे आता हुआ दिख रहा है, पहले ऊपर गया और अभी नीचे आ रहा है। देखो, कन्विक्शन कॉन्फिडेंस थोड़ा सा तो कम है इस भाव पे खरीदने के लिए। बेचना कोई नहीं चाहता, लेकिन फ्रेश एंट्री के लिए हिम्मत नहीं हो रही है रिटेल इन्वेस्टर्स की स्पेशली। ऐसे में मैं भी आप सभी के साथ पहली वीडियो जो 10:30 पोस्ट करता हूं मार्केट को लेकर, उसमें भी मैंने कहा था कि 22200 तक, सॉरी क्या निकल रहा है, लेवल देख रहे हो कैसे उल्टे सीधे निकल रहे हैं, भाव इतनी तेज ऊपर आ गया है, 24200 तक आना चाहिए वो आ गया है। अब यहां से और कितना ऊपर सोचना समझना बहुत मुश्किल है दोस्तों। सपोर्ट 23800 पे प्लेस्ड है दिखता है, और एक्चुअली में अभी कोई सपोर्ट है नहीं वैसे देखा जाए, क्योंकि नई सीरीज की मंथली सीरीज आज स्टार्ट हुई है, नई वीकली सीरीज आपके लिए आज नई स्टार्ट हुई है, वीकेंड है आपके लिए कल से, आज लास्ट आपका ट्रेडिंग सेशन है वीक का, तो वीकली क्लोजिंग भी है। लेट्स सी कहाँ आती है कहाँ नहीं आती है। 24,000 के ऊपर वीकली क्लोजिंग अपने आप में एक इंपॉर्टेंट और मतलब पॉजिटिव मानी जाएगी मेरे हिसाब से। अभी भी 5 पॉइंट नीचे जरूर है निफ्टी, लेकिन 24,040 पे ऊपर से जरूर 150 पॉइंट नीचे आ गया है, बट स्टिल मेरे लिए कोई नेगेटिव नहीं है। बट वही वाली बात है कि फ्रेश एंट्री की हिम्मत नहीं बन रही है दोस्तों, और वो इसलिए नहीं बन रही है क्योंकि हम लोगों ने ना वन साइडेड टिक दिखा है ऊपर, और ये जो है ऐसा नहीं है लंबे समय में दिखा है, बहुत शॉर्ट पीरियड में आया है। और बाजार की हिस्ट्री जो रही है, एक्चुअली मार्केट हिस्ट्री को रिपीट ही नहीं कर रहा है इस समय, लेकिन हम लोगों ने जो हिस्ट्री देखी है वो देख देख के डर रहे हैं। मैं आपको ट्रस्ट में मैं आपको बता सकता हूं, जो व्यक्ति नया बाजार में आ रहा है ना, वो ज्यादा पैसा बना रहा है एज कंपेयर टू दोस्त जो बाजार में बहुत पहले से हैं। जो बहुत पहले से है ना, उन्हें उन्होंने सब कुछ देखा है, वो कह रहे हैं ये तो हो ही नहीं सकता, बाजार गिरना चाहिए, और वो खरीद नहीं रहे हैं। लेकिन जो नया आ रहा है उसे क्या, वो तो नया पैसा लेके आ रहा है, लगाएगा तभी तो पैसा बनाएगा, तो वो लगा देता है, और जैसे ही लगा रहा है पैसा बना रहा है। तो जो सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, वो नहीं लगा पा रहे हैं, और जो बिना सोचे समझे लगा रहे हैं वो पैसा बना रहे हैं, ये आज की हकीकत है। बट ठीक है, सबका सही है मतलब, बट अभी कहना बहुत ही डिफिकल्ट है। आप सभी को क्लियरली स्क्रीन दिख रही है, बहुत ही डिफिकल्ट स्क्रीन है। अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन दमदार हो रहा है, और जिसको हम पूरी तरीके से पकड़ भी रहे हैं। हमारा फेवरेट सेक्टर रहा है शेयर बाजार से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनियों का, जिसमें मैं ठोंक बजा के कॉन्फिडेंस कन्विक्शन रख के लॉन्ग टर्म के लिए कहा है मैंने आपसे होल्ड करने के लिए। मेरा सिंपल सा व्यू है, हम लोग पॉपुलेशन के मामले में नंबर वन है दुनिया में, ठीक है जी, और देश में अभी केवल 5-7% ही लोग ऐसे हैं जो ट्रेड करना शुरू हुए हैं। टोटल 12-13 करोड़ डीमेट अकाउंट है इस समय। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अब हर महीने 30-40 लाख डीमेट अकाउंट ओपन हो रहे हैं, तो ये जो संख्या है ना बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, 12 करोड़ डीमेट अकाउंट 2024 की शुरुआत में थे, अभी 14 करोड़ हो गए हैं, अगले महीने 14 करोड़ 40 लाख या 30 लाख हो जाएंगे, यानी कि आप मोटा मोटी ढाई महीने में 15 करोड़ मान लो, इस हिसाब से डीमेट अकाउंट ओपन हो रहे हैं। और शेयर बाजार की ये हमेशा से आप देखो हिस्ट्री रही है, हमेशा बुल रन में डीमेट अकाउंट आते हैं, मंदी और कंसोलिडेशन में जाते हैं। अभी तो बुल रन ही चल रहा है, अब मंदी और कंसोलिडेशन होगा तो ये शेयर्स थोड़े सस्ते मिलेंगे। कौन कौन से हैं म्यूचुअल फंड में, मैं पहले म्यूचुअल फंड से शुरू करूंगा क्योंकि वहां आज एक्शन नहीं है, शेयर बाजार में इक्विटी से रिलेटेड तो एक्शन है, तो वो तुरंत ले लेगी पब्लिक, लेना नहीं है, सिर्फ समझना है। लेना कब है, जब कंसोलिडेशन होगा मार्केट में, डीमेट अकाउंट कम ओपन हो रहे होंगे, इन कंपनीज का प्रॉफिट घट रहा होगा, तो क्योंकि बाजार तो इवेंचुअली ऊपर जाएगा, वापस से डीमेट अकाउंट ओपन होंगे, बट जब थोड़ा सस्ते शांत हो तब लेना। अब इसमें कौन सा आता है, आपका कैम्स आता है म्यूचुअल फंड में, यूटीआई एएमसी आता है, एचडीएफसी एएमसी आता है, निपॉन एएमसी आता है, ये सारी एएमसी कंपनीज, और कैम्स आपका एक म्यूचुअल फंड एजेंसी हो गया, ट्रांसफर एजेंसी केफिन टेक्नोलॉजीज के साथ जिन्होंने बना रखा है, तो ये हो गए आपके म्यूचुअल फंड से रिलेटेड। डायरेक्ट आपके इक्विटी से रिलेटेड सबसे पहले तो ब्रोकर्स आ जाते हैं, ब्रोकर्स में एंजल वन अच्छा लगता है, मोतीलाल ओसवाल अच्छा लगता है, आपका शेयर इंडिया सिक्योरिटीज अच्छा लगता है, बहुत सारे लिस्टेड है मार्केट में, तो आप और भी चुन सकते हैं। आपके म्यूचुअल फंड में आपका मेरे को मास एक आपका जो MAX करके जो स्टॉक है वो अच्छा लगता है, आई थिंक मैं एक बार आपको नाम रिपीट करना चाहूँगा, मास फाइनेंशियल है या मैक्स फाइनेंशियल है, जो 1000 रुपये करीब वाला स्टॉक है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, मास नहीं है मैक्स है, आई थिंक MFSL है जिसका नाम, MFSL हाँ जी, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज है 971 पे, इनका 10,000 करोड़ का AUM क्रॉस हुआ है रिसेंटली, तो ये एक अच्छा लगता है। आपका एक आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट से वो अच्छा लगता है, IIFL 361 वेल्थ मैनेजमेंट अच्छा लगता है, आपका नोवामा वेल्थ मैनेजमेंट अच्छा है, तो ये अच्छे हैं। और डायरेक्ट इक्विटी में आते हैं अब,
तो आपका डिपॉजिट का मोनोपोली है डिपॉजिटरी CDSL ऑनलाइन, मतलब जो आपके ट्रेडेबल अकाउंट्स हैं उसमें 72% का मार्केट कैप है इनका। NSDL है बट वो इनएक्टिव अकाउंट ज़्यादा फॉलो करता है, एक्टिव में उसका उतना बड़ा प्लेयर नहीं है वो। आपका एक्सचेंज BSE है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो आप देख ही रहे हो NSE हालांकि ज़्यादा बड़ा प्लेयर है बट अभी वो बाजार में नहीं है तो क्या कर सकते हैं। अब आज CDSL के शेयर में तूफानी तेजी है, 15% ऊपर है। IIFL वन वेल्थ भी काफ़ी तेज भागता हुआ दिख रहा है। अब CDSL के लिए खबर है आज दोस्तों, मैं आपको बता दूं दो चीज़ें हुई हैं। पहला तो एक 24.25 करोड़ का सौदा हुआ है, ठीक है, सुबह सुबह 2207 रुपए के भाव पे। और दूसरी बोर्ड मीटिंग है 2 जुलाई को कंपनी की, बोनस को लेकर विचार करने जा रही है कंपनी। तो आपके लिए बोनस आ सकता है CDSL के शेयर में, जिसके चलते आज ये शेयर रॉकेट हुआ है। डेफिनेटली आपको गिरावट में मिलते रहते हैं ये स्टॉक्स और आप मौके ढूंढते रहिए खरीदने के, अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स हैं, रडार पे रखिए, जब भी मौका मिले जरूर लीजिएगा। तो ये आपके लिए मेरी तरफ से शॉर्ट सिंपल अपडेटेड वीडियो थी, होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।